गणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आप सबसे एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए। देखिए चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, अपनी राशि को आ जाए जाता तब तो देखिए, चाहे पूरा देखिए या अपनी राशि तो देखिए। लेकिन पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा खुशी मिलेगी और मैं और भी वीडियो नए नए बनाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं समझूँगा आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर मेरा अभी रुचि धीमे धीमे कम हो जाएगी। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं नए नए लोग वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखें या कुछ और भी लिखें। आप कुछ भी पूछना भी चाहें तो पूछ सकते हैं। एक एक प्रश्न का कोई चार्ज कभी नहीं लगता। पहली बार जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो कोई उसके चार्जेज नहीं होते हैं। बाद में जन्मपति दिखाएँ या और कुछ पूछें प्रश्न तो अलग बात है, लेकिन पहली बार कॉन्टेक्ट जो भी करेगा उसका कोई चार्ज नहीं। तो मित्रों मेरा जो है क्या है विषय आज का, देखिए 24 सितंबर यानी 24 सितंबर कल ही तो है। कल 24 सितंबर को शुक्र कहाँ जा रहे हैं? शुक्र भी आगे बढ़ के अपनी राशि को छोड़ करके सूर्य के और बुध के साथ जा रहे हैं कन्या राशि में 24 सितंबर को कल ही। तो ऑलरेडी वहाँ पर सूर्य का और बुध का बुध आदित्य राजयोग बना हुआ था। अब शुक्र पहुँच जाएंगे तो शुक्र पहुँच जाएंगे कहाँ पर? बुध के साथ। बुध कन्या राशि में उच्च के हैं और शुक्र पहुँच जाएंगे वहाँ पर, शुक्र का नीच राशि है, तो बुध के उच्च के होने से शुक्र का नीच भंग राजयोग बनेगा। 24 तारीख से ही कल शुक्र जो है पहुँचते ही दोपहर बाद नीच भंग राजयोग बनेगा और 24 सितंबर से आगे तक जब तक अक्टूबर में भी जब तक सूर्य का बुध का यानी 17-18 अक्टूबर तक सूर्य बुध का संग रहेगा शुक्र का वहाँ पर, उसके बाद फिर वो आगे तुला राशि में जाएंगे। तो अभी तो बुध के साथ शुक्र आए, बुध की कन्या राशि में उच्च के नीच भंग राजयोग बन गया और बुध आदित्य राजयोग है ही है। तो 24 सितंबर से देखिए कुछ राशियों को कई राजयोग यानी हंस पुरुष हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, बृहस्पति केंद्र में जहाँ बैठ रहे हैं जिस राशि में, और शनि का तो सस महापुरुष राजयोग बन ही रहा है, प्लस बुध का जहाँ केंद्र में बुध बैठते हैं अपने उच्च की राशि में तो भद्र महापुरुष राजयोग बन गया। और देखिए बृहस्पति का हंस महापुरुष राजयोग, बुध का भद्र महापुरुष राजयोग, शनि का शस राजयोग और देखिए ये नीचे भंग राजयोग बना शुक्र का और बुध आदित्य राजयोग। तो कितने राजयोग बन रहे हैं अभी 24 तारीख से आगे तक। तो इनका कुछ तो फल मिलेगा कुछ राशियों को, हंस महापुरुष राजयोग, शस महापुरुष राजयोग, भद्र महापुरुष राजयोग, नीचे भंग राजयोग, बुध आदित्य राजयोग, पांच राजयोग बन रहे हैं। तो किसी राशि को 2, किसी को 3, किसी को 4 ऐसे राजयोग मिल सकते हैं। तो 24 सितंबर से आगे जब तक 18 अक्टूबर तक मान लीजिए जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे, शुक्र और सूर्य फिर 17 अक्टूबर की शाम को गई शाम को 7:30 बजे यानी 18 अक्टूबर से शुक्र और सूर्य आगे चले जाएंगे तुला राशि में और बाद में 26 अक्टूबर को बुध भी पहुँच जाएंगे। तो ये तब तक यानी 24 सितंबर कल से लेकर मान लीजिए 17 अक्टूबर की शाम तक मान लीजिए ये कई राजयोग बन रहे हैं, नीच भंग राजयोग और भद्र राजयोग और ये सब हंस महापुरुष राजयोग। तो कुछ राशियों को तो बहुत ही ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो मैं उसी पर चर्चा करने आया हूँ। देखिए भाई 24 सितंबर से ही ये योग बनने से क्या लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ, कौन कौन राशियाँ, देखिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। गुरु और शनि दोनों ही बकरी अवस्था में है अभी तो, दोनों ही 23 अक्टूबर को शुक्र शनि हो जाएंगे मार्गी हो जाएंगे, अभी तो दोनों ही
बकरी है, और बुध ग्रह उच्च के होकर है, महा उच्च के अपनी कन्या राशि में बैठे हैं। और देखिए सूर्य बुध का बुध आदित्य राजू बन रहा है, और बुध का केंद्र के भागों में भद्र महापुरुष राजू बन रहा है। बृहस्पति जहाँ जहाँ बैठे हैं केंद्र में, वहाँ हंस महापुरुष राजू बना रहे हैं, और शुक्र ने आकर के नीचे भंग शुक्र का हो गया। तो ये समय बहुत ही अच्छा हो रहा है, बिजनेस में, नौकरी में सभी तरह के लाभ मिल रहे हैं। तो अब देखिए मैं यही देखना चाहता हूँ कि कुछ राशियों को, मैं सब राशियों की चर्चा नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कुछ राशियों को तो विशेष लाभ मिलना ही मिलना चाहिए। तो वो कौन सी राशियाँ हैं भाई, वो मैं बताऊँगा राशियों को, वो कौन सी राशियाँ हैं जो अच्छी तरह से लाभ पा रही हैं व्यापार में, नौकरी में, सब तरह से। तो देखिए मैं शुरू करता हूँ वृषभ राशि से। तो वृषभ राशि के देखिए आप, वृषभ राशि के लिए क्या हो रहा है। वृषभ राशि के लिए कन्या राशि कहाँ है, पंचम भाव में है। पंचम भाव माने संतान का भाव। संतान के भाव में देखिए सूर्य बुध शुक्र, और देखिए थोड़े टाइम के लिए क्या होगा, चंद्रमा को हम नहीं कंसिडर करते हैं, चंद्रमा दो स्वभाव में जगह बदल देता है। तो अभी तो ये देखिए हाँ 25 तारीख को चंद्रमा भी आ जाएंगे यहीं कन्या राशि में, शायद 25 तारीख को मेरे ख्याल से, जहाँ तक याद पड़ता है मुझे। तो 24 तारीख को और 25, 26, 27 तक वहाँ रहेंगे तो चंद्रमा भी। अब देखिए यहाँ पर सूर्य बुध शुक्र तीन तो ये ग्रह हो गए, और सामने से बारहवीं राशि में यानी सम सप्तक योग बना करके बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो चार ग्रह तो ये हो गए, सूर्य बुध यानी बृहस्पति की दृष्टि भी है। और 25 तारीख को, 25, 26, 27 को सवा दो दिन करीब यानी 24, 48 घंटे, अच्छे दो 54 घंटे करीब, 54 घंटे चंद्रमा एक राशि में रहते हैं। तो चंद्रमा भी कन्या राशि में आ जाएंगे भाई 25 सितंबर को, 25, 26, 27 की शाम तक रहेंगे। तो ये कई ग्रह बन गए। तो चंद्रमा तो क्षणिक सवा दो दिन के लिए लाभ देंगे, उनका भी मतलब मन पे कंट्रोल है। चंद्रमा मन से जाता, मन जो है मन को जातक को अच्छा रखता है, और माता को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, सूर्य पिता को करता है, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा के भी आने से और इतने इतने राजयोग बन रहे हैं सब, तो देखिए क्या लाभ मिलने वाला है। तो मैं पहले वृषभ राशि का बताता हूँ। वृषभ राशि को पंचम संतान भाव में योग बन रहा है, तो संतान भाव में योग बन करके यहाँ के जो है देखिए वृषभ राशि के स्वामी कौन है, शुक्र हैं। और शुक्र कहाँ आ गए, शुक्र का नीच भंग हो गया यहाँ पे, 24 तारीख की दोपहर बाद से आ जाएंगे। तो शुक्र का नीच भंग हो गया तो यानी शुक्र उच्च के हो गए, तो लग्नपति लग्नाधिपति शुक्र उच्च के हो गए बहुत ज़्यादा। किसके, वृषभ राशि के लग्नाधिपति जो है शुक्र निज भंग हो गए, उच्च के हो गए, और ये बुध आदित्य राजयोग बन रहा था और बृहस्पति का दृष्टि जा रही थी। इस कारण से वृषभ राशि वालों को बहुत ही लाभ मिल रहा है। और देखिए इसमें और क्या हो रहा है, लाभ स्थान में यानी नवम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, मीन राशि नवम भाव में। तो वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य भाव में गुरु बैठे हुए हैं, लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, संतान भाव में तीन ग्रह और चंद्रमा भी आ गया सवा दो दिन के लिए। तो भाई क्या और क्या चाहिए आपको, लाभ में, भाग्य में और संतान भाव में इतने चार चार ग्रहों की दृष्टि और बैठे हुए हैं, तो वृषभ राशि वाले तो बहुत ही ज़्यादा लाभ पा रहे हैं। भाग्य स्थान से तरक्की शनि दे रहे हैं और लाभ स्थान से तरक्की बृहस्पति दे रहे हैं, व्यापार में से लाभ, नौकरी से लाभ। और देखिए खास तौर से जो ऐसे ऐसे व्यापार वाले जो शनि से संबंधित जो व्यापार करते हैं लोग, जो शनि भाग्य स्थान में है ना, भाग्य बढ़ेगा। भाग्य बढ़ने का मतलब क्या, भाग्य बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा, पैसा आएगा। तो वो लोग जो शनि से संबंधित व्यापार करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का व्यापार करते हैं, काले पदार्थों का करते हैं, लोहा का करते हैं, शराब का करते हैं, ऐसे पदार्थों का व्यापार करने वाले व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा लाभ पाएंगे। और शेयर बाज़ार में सट्टा मार्केट से भी लोग लाभ पाएंगे, अच्छा मुनाफा पाएंगे।
आकस्मिक धन का लाभ होगा भाई, थोड़ा बहुत पेट संबंधी रोग तो हो सकता है, पेट संबंधी तो रोग हो सकता है, तो उसकी थोड़ा सावधान रहिए, खाने पीने का ध्यान रखिएगा, पेट संबंधी रोग ना होने पाए, अन्यथा वृषभ राशि वालों को तो सभी तरह से लाभ ही मिल रहा है, संतान को लाभ, संतान से लाभ, संतान का परीक्षा में अच्छा, प्रेम प्रसंग में लाभ, और सब तरह के स्रोतों से, विभिन्न स्रोतों से लाभ मिल रहा है, बड़े भाई बहनों से भी लाभ मिल रहा है, और पिता से भी अच्छा सहयोग मिल रहा है, जातक बड़ा धार्मिक नेचर का होगा अभी, और देखिए बृहस्पति और शनि दोनों ही लाभ दे रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं, तो भाई वृषभ राशि तो बहुत ही बढ़िया टॉप पे चल रही है। अगली राशि देखिए मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए भी 24 तारीख से कल से ही और सब इतने योग बने तो उन सबका अब मैं चर्चा नहीं करूँगा। गोचर कुंडली के हिसाब से मिथुन राशि के केंद्र में, मिथुन राशि में कहाँ आ गई, नंबर 3 आ गई लग्न में, तो बृहस्पति कहाँ से ले आएंगे, 11वें भाव से 10वें भाव में आ जाएंगे, तो बृहस्पति आ गए कर्म स्थान में, केंद्र में आ गए, तो हंस महापुरुष राजयोग बना दिया, तो मिथुन राशि वालों को तो बृहस्पति ने हंस महापुरुष राजयोग बना दिया, शुक्र का नीच भंग राजयोग है ही है, और देखिए सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग है ही है, तो मिथुन राशि के लिए भी भाई ये सारे राजयोग कैरियर में, क्योंकि बृहस्पति आ गए कैरियर में 10वें भाव में, तो कैरियर में नई नौकरी, व्यापार में नई तरक्की, नया ऑर्डर अचानक ही मिल जाएगा, बाहर से ऑर्डर आ सकता है, नौकरी में तनख्वाह बढ़ सकती है या नई नौकरी लग सकती है, नौकरी में प्रोन्नति हो सकती है, तो दशम भाव में बैठकर बृहस्पति मिथुन राशि को हंस महापुरुष राजयोग बना करके, और बाकी 3-3 शुभ ग्रह राजयोग बन रहे हैं, देखिए निजभंग राजयोग, हंस महापुरुष राजयोग, बुद्ध आदित्य राजयोग, तो मिथुन राशि को तो भाई, और देखिए फोर्थ हाउस आप देखिए, यानी मिथुन राशि का जब तीसरा आ गए तो ये कहाँ से सूर्य बुद्ध और ये सूर्य बुद्ध शुक्र कहाँ पहुँच गए मिथुन राशि के लिए, चौथे हाउस में पहुँच गए ना, कि मिथुन राशि लग्न पर 3 राशि आ गई तो 4, 5, 6 छठी ये जो बन रहा है ये चौथे भाव में बन रहा है, जो वृषभ राशि के लिए 5वें भाव में बना था योग, ये सूर्य बुद्ध का शुक्र का, इनको बन रहा है चौथे भाव में, तो चौथे भाव में योग बन रहा है, सामने बृहस्पति बैठे हुए हैं, आमने सामने सब सप्तम योग बना करके हंस महापुरुष, तो मिथुन राशि तो भाई मैं कहाँ भेजूँ उसको, इसकी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, महा महा अरबपति राशि है, सब तरह के लाभ हो रहे हैं, देखिए क्या कहने, बहुत बढ़िया, क्योंकि मिथुन राशि के लिए बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बना गए और सामने चौथे भाव को देख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, यानी वृषभ राशि और मिथुन राशि, और अगली राशि जो बहुत बढ़िया है वो देखिए कन्या राशि, कन्या राशि के लिए क्या हो रहा है भाई, कन्या राशि में बुध जो है राशि के लॉर्ड हैं, बुध जो है अति उच्च के बैठे हैं अपनी कन्या राशि में ही, लग्न में ही आ गया योग जो है 3 ग्रह का, और चंद्रमा भी आ गए चौथे वहाँ पर, और बृहस्पति आ गए सामने सप्तम भाव में, वहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, बृहस्पति अमृत रस बरसा रहे हैं, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत रस होता है भाई, अमृत, तो बुध राशि लॉर्ड हैं बहुत उच्च के हैं, तो बिजनेस तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिजनेस वालों आपके जो स्वामी हैं बुध राशि के बहुत ही अच्छे, और शुक्र जो है नीच भंग राजयोग से लाभ दिला रहे हैं बहुत उच्च के, तो अचानक धन का लाभ तो आपको भी मिल रहा है, कन्या राशि वालों को भी अचानक धन का लाभ मिलेगा, और देखिए मीडिया वाले, फिल्म वाले, ऐसे सब व्यापार वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, जो भी मीडिया उद्योग से संबंधित हैं, फिल्म से संबंधित हैं, जो शुक्र से संबंधित विषय में हैं, यानी सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करते हैं, स्त्रियों से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, वो सारे लोग व्यापारी लोग बड़ा लाभ पाएंगे, शानदार है योग व्यापार में, शानदार योग है, सारे रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे भाई, और बहुत ही भाग्य बढ़िया हो रहा है आपका, तो क्या कहने। अब मैं अगली राशि देखता हूँ कौन सी राशि है, धनु राशि, तो धनु राशि वालों के लिए भी क्या है, हंस राजयोग बन रहा है, एक तो धनु राशि जो नमे में आ गई ना, नमी राशि जो है पहले भाव में आ गई, तो 12वें मीन राशि आ गई चौथे भाव में, तो हंस महापुरुष राजयोग बन गया, और बृहस्पति आ गए धनु राशि के लिए चौथे भाव में,
तो बृहस्पति आकर के सारे सुख संबंध सारे सुख सुविधाओं को दिलाएंगे, हंस बड़ा बड़ी गाड़ी बंगला दिलाएंगे, माता का आशीर्वाद दिलाएंगे बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ करके, और दसम भाव पर दशी जा रही है कर्म क्षेत्र में देख रहे हैं, क्या कहने भाई। तो भाई धनु और धनु धनु राशि के लिए योग कहाँ बन रहा है, यानी कन्या राशि कहाँ चलेगी, सामने वाले घर में यानी दसम भाव में। तो दसम भाव में योग बना, तीन तीन चार चार राशियों का बृहस्पति चतुर्थ भाव में आ गए, तो भाई कमाल हो गया। बृहस्पति का हंस महापुरुष राजयोग, और देखिए सामने वाले खाने में यानी दसम भाव में है, तो बुद्ध का वहाँ पर भी भद्र महापुरुष राजयोग बन गया, केंद्र में आ गए बुद्ध, और बुद्ध आदित्य राजयोग बन गया, और नीचभंग राजयोग बन गया, यानी चार चार राजयोग बन गए। तो धनु राशि की भी महान महान कृपा मिल रही है धनुराशि को सारे ग्रहों की, और ये भी महान महाकरोड़पति राशि है, महाधनी राशि है। तो धनु राशि वालों को नए नए काम ऑर्डर मिलेंगे, नए नए फ्यूचर की प्लानिंग मिलेगी, व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा, और देखिए नौकरी में बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, सब तरह से लाभ है। तो धनु राशि भी महाधनवान अति धनवान, और अगली राशि मीन, मीन राशि के लिए भी बेहद शानदार बन रहा है योग, क्यों शनि देव जो है लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, मीन राशि के लिए बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं, शनि देव लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, और नीच भंग राजयोग बन रहा है, भद्र महापुरुष राजयोग बन रहा है। तो क्योंकि मीन के लिए जो कन्या राशि है वो सप्तम भाव में यानी सामने बिल्कुल सब सप्तम योग बना के बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में तो परिवार के भाव में यानी पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध, व्यापार के जो जो आपके सहयोगी हैं उनसे अच्छा संबंध, डेली वेजर्स को अच्छा लाभ। तो हंस महापुरुष राजयोग सप्तम भाव में, भद्र महापुरुष राजयोग, नीचभंग राजयोग, बुद्ध आदित्य राजयोग, क्या कहने भाई। और मीन का हंस महापुरुष राजयोग केंद्र में बैठे हैं बृहस्पति, तो मीन राशि के लिए भी चार चार राजयोग बन रहे हैं, नौकरी में तरक्की इंक्रीमेंट, व्यापार में तरक्की, नए नए ऑर्डर। तो भाई 24 सितंबर से लेकर के शुक्र के नीच भंग होते ही एक नया राजयोग बन गया, बुद्ध आदित्य राजयोग थाई, भद्र राजयोग थाई, हंस राजयोग थाई, और किसी राशि के लिए जहाँ शनि बैठे हैं केंद्र में वहाँ शस्त्र महापुरुष राजयोग भी होगा। तो भाई ये जो पांच राशियाँ हैं, पांच राशियाँ कौन कौन सी मैंने बताई आपको, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, यानी दो बृहस्पति की राशि, दो बुध की राशि और एक शुक्र की राशि, क्यों शुक्र जो है खुद शुक्र की एक राशि जरा खराब जगह बैठी हुई है, पर शुक्र की वृषभ राशि तो अच्छा दे रही है फल। तो दो बुध की राशि, दो बृहस्पति की राशि, एक शुक्र की राशि, पांच राशियों पर अति शुभ है, लाभकारी योग है, पैसा आएगा, व्यापार में तरक्की होगी, नौकरी में तरक्की होगी, सब कुछ तरक्की होगी। तो भाई कल 24 सितंबर से ही 17-18 अक्टूबर तक बड़ा अच्छा योग बन रहा है भाई, बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो सब लोग मेरे जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और उसके बाद जब जाएं तो कमेंट में श्री गणेश आय नमः लिखें, गणेश भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, सुख प्रदान करेंगे। तो मित्रों मैं अब यहाँ विराम लूँगा, नमस्कार।